आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, बहुत ही मुंह में घुल जाने वाले छोले भटूरे की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत टेस्टी। ये भटूरे बन रहे हैं हमारे और छोले बन गए हैं, बहुत ज़्यादा, कितने सॉफ्ट हैं, कैसे हाथ से ऐसे आराम से टूट रहे, इतने मुँह में घुल जाने वाले, बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता, मेरी चैनल मानपूना फूड एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी, चलिए बनाते हैं। ये हमने छोले ले लिए थे, रात भर कर सोक करने के लिए रख दिए थे, 200 ग्राम छोले हैं हमने, और इनको हम कुकर में डाल के उबालने के लिए रखेंगे। इनको अच्छे से धो लिया है हमने, बढ़िया से इनका पानी निकाल दिया है, और इनमें फ्रेश पानी डाल के इनको उबलने के लिए रख देंगे। इतने छोले हैं, छोले से थोड़ा सा पानी रहे हमारा एक अंगुल ऊपर ही, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, चौथाई, बिल्कुल चौथाई थोड़ा सा। बस कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी लगाएंगे इसकी। गैस पर हमने कुकर चढ़ा दिया है, और हमने मसाले की तैयारी करेंगे। 2 प्याज ले लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कली ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे इसको, दरदरा सा ही पीसेंगे इसको। हमने दरदरा सा इसको पीस लिया है, महीन नहीं पीसा है बिल्कुल। और 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चा ले ली हमने, इसको भी पीस लिया है हमने। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब भटूरे की तैयारी करेंगे। जो 1 कप लिया है, 1 कप जो है इसी से नाप के 2 कप हमने मैदा लिए, और ये आधा कप छोटा वाला इससे सूजी लिए है हमने। हमारा 200 ग्राम मैदा होगा और ये 50 ग्राम सूजी होगी, और 1 कटोरी इसमें दही डालेंगे। फ्रेश दही है, बहुत खट्टा नहीं, बहुत नॉर्मल दही है हमारा। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच स्वाद अनुसार, और बहुत पिंच भर सोडा, खाने वाला सोडा, और 2 चम्मच ऑयल, ओनली 2 चम्मच ही। इससे इतने ही डालने से इतना सॉफ्ट भटूरा बनता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्पी ऊपर से, अंदर से एकदम सॉफ्ट, के हाथ लगाओ आपको तुरंत ही टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, बहुत कड़ा नहीं, देखो कैसे हाथ से हो रहा है, इतना ही सॉफ्ट बनाएंगे हम इसको। और इसको ढक के रख देंगे जब तक हम सब्जी की तैयारी करेंगे छोले की। इसको ढक के रख देंगे। हमारा भटूरे का आटा तैयार हो गया है, और कुकर को हमने खोला, 5-6 सीटी आ गई थी, हमारा छोला भी उबल चुका है। देखो कितना बढ़िया, अच्छे से मैश हो रहा है ना हाथ से, बढ़िया हमारा छोला उबल चुका है। पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला था, तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे, और ये काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये हमने सब ले ली है। काली मिर्च और लौंग, और उसको इलायची को घूम कूट लेंगे, और तेज़पत्ता और दालचीनी को ऐसे ही डाल देंगे। 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और जो हमने मसाला कूटा है ना गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग वगैरह, इलायची, ये सब कूट के डाल देंगे इसमें। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। और दालचीनी का टुकड़ा भी हमने इसको डाल दिया, बाद में हम इसको निकाल देंगे, जो प्याज हमने पीसा था ना वो इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको चलाएंगे बढ़िया से। बहुत ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, घर में जब भी आप सब्ज़ी बनाएं बहुत ज़्यादा तेल मत डालें, हिसाब से ही तेल डालें, क्योंकि हमें तो सब्ज़ी खानी है ना कि तेल खाना है। हमारी सब्ज़ी टेस्टी बननी चाहिए, ऑयली नहीं बननी चाहिए। थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1-2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, और 1/2 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे कलर लाने के लिए। आपको देखो कढ़ाई में तेल नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल, हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं हमारी सब्ज़ी में तेल नहीं दिखता है, बहुत कम तेल का यूज करते हैं। हमें सब्ज़ी में ये तेल बहुत पसंद, अच्छा नहीं आता लगता बिल्कुल भी। सब्ज़ी बननी चाहिए टेस्टी बननी चाहिए। पानी डाल डाल के इसको भूनेंगे, हमारा मसाला जले ना। आपको ज़रा सा भी तेल नहीं दिख रहा होगा इसमें, मई कढ़ाई में वो जो हमने टमाटर पीसा था ना वो इसमें डाल देंगे, और मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे मीडियम आँच में ही, बहुत तेज आँच नहीं करेंगे, मीडियम आँच में इसको भूनेंगे। और 1 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि पहले भी हमने छोले उबालने में भी नमक डाला है, तो बैलेंस बना के रखें नमक का, ज़्यादा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें। और मसाले को थोड़ा पानी डाल के उस मसाले को भून लेंगे बढ़िया से, अच्छे से, जब खूब अच्छी से खुशबू आने लगे, हमारा पैन छोड़ने लगे, बहुत ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी में। हमारा देखो मसाला भुन गया, अब छोला डाल देंगे इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से।
और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। ये नहीं कि बहुत सारा ऑयल डाल दो तभी सब्ज़ी टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है। हमेशा सब्ज़ी में ऑयल हिसाब से ही डालना चाहिए, बहुत हैवी हो जाती है ज़्यादा ऑयल से सब्ज़ी, इसलिए ऑयल का विशेष ध्यान रखें, कम से कम मात्रा में ऑयल डालें। हमें टेस्टी सब्ज़ी बनानी है, हमको रोज़ ही खाना खाना है, तो ऐसे ज़्यादा ऑयल खाएंगे तो कहाँ क्या होगा बताइए, इसलिए हमेशा कम तेल का ही यूज करें, जितना हो सके कम से कम तेल का यूज करें। हमारी सब्ज़ी में हमने हिसाब से पानी डाल लिया, जितना हमको गाढ़ी पतली चाहिए थी, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपको जितना डालना हो गाढ़ी पतली करने के लिए। और इसको हमने ढक के रख दिया है और इसमें बॉयल आने लगा है हमारी सब्ज़ी में। 5 से 7 मिनट तक इसको खोलाएंगे अच्छे से। सब्जी हमारी खोल रही बढ़िया से, जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था ना वो हम निकाल देंगे, निकाल चमचे की सहायता से इसको बाहर कर देंगे। उसका स्वाद आ गया जो आना था उसमें सब्जी में हमारे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी सब्ज़ी तैयार है, रेडी हो गई है हमारी सब्ज़ी। कितनी बढ़िया सिंपल तरीके से, कितनी जल्दी से बन गई है, इतनी टेस्टी बनी कि कुछ पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये हमारा आटा भी फूल कर तैयार हो गया है। आटा अपने पहले से ही लगा के रख दिया था, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है भटूरे बनाने के लिए, और छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे जिससे रोटी बनाते हैं, रोटी से थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा मैदा लगा के इसको अच्छे से आराम से बेलेंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, गैस हमारी कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। जब हमारी आँच खूब अच्छे से हो जाए कढ़ाई बढ़िया से, तभी हमें भटूरा डालना चाहिए, मध्य आँच में नहीं डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जब बिल्कुल अच्छे से हो जाए हमारी कढ़ाई तभी उसमें भटूरा डालें। अब मध्य आँच में आपका भटूरा डाल देंगे तो आपका भटूरा फूलेगा ही नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। फ्लेम बहुत अच्छी हो जाए, एकदम कढ़ाई अच्छे से हो जाए, बढ़िया से तेल गर्म हो जाए, तभी उसमें डालें। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, भटूरा सिक के आ गया है बढ़िया से, आराम से सिक के आ जाता है बहुत बढ़िया से। बहुत ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं, कढ़ाई में भी नहीं ऐसी, बहुत सारा तेल भर लो, हिसाब से ही अपना आराम से भरो, आराम से काम करो। हमारा भटूरा सिक के तैयार हो गया है, कितना बढ़िया सब्जी भी बन गई है। हम दूसरा भटूरा भी बेलेंगे, इसको भी सेकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है भटूरा, इतना टेस्टी कुछ पूछे नहीं, मत हाथ से थोड़ा ऐसे टूट रहा है आराम से, मुंह में घुल जाने वाला, और टेस्टी तो इतना कि कुछ पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब आप घर पे इस तरह से छोले भटूरे बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाएंगे, कभी रेस्टोरेंट ही नहीं जाएंगे, इतना बढ़िया टेस्टी बन के तैयार हो जाता है घर में, बहुत बढ़िया है, एकदम सफ़र सॉफ्ट, सफ़र क्रिस्पी और मुँह में घुल जाने वाला, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। ये भटूरा भी सिक गया है, सॉफ्ट तो इतने बने हैं कि कुछ पूछो ही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी तो गजब। हमारी सब्जी भी तैयार है, हमारा भटूरा भी तैयार हो गया है, प्लेटिंग हो चुकी है हमारी सर्विंग के लिए। आइए एंजॉय करिए, आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और इसी तरह सिंपल तरीके से बनाओ, बहुत जल्दी बन जाता है। सामने गोल बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।